चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज के समीप यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक सुशील पांडे के नेतृत्व में यातायात कर्मियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जुर्माना वसूलने के साथ भविष्य में यातायात के नियमों का पालन करने समझाइश भी दी गई। नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे वाहन चालकों के खिलाफ जिले की यातायात पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चंद्रा मौर्या अंडर ब्रिज के समीप यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक सुशील पांडे के नेतृत्व में यातायात कर्मियों द्वारा दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अंडर ब्रिज को पार करते प्रत्येक वाहनों को रोककर दस्तावेजों की जांच की गई। आधे अधूरे दस्तावेज रखे लोगों से जुर्माना वसूलने के साथ ही दस्तावेज पूर्ण कराने की समझाइश भी दी गई। वहीं दो पहिया में तीन सवारी बिना हेलमेट लगाए वाहन चला रहे, बिना सीट बेल्ट बांधे कार चला रहे चालकों को समझाइश देने के साथ जुर्माना वसूला गया। पुलिस की कार्रवाई होता देख कई वाहन चालक मौके से पूर्व अपने वाहनों को मोड़ते भागते भी नजर आए। अभियान की जानकारी ASI सुशील पांडे ने दी। मोटर भी कलेक्ट में जो वाहनों में अपन चेक कर रहे हैं जिसमें पेपर अनकम्प्लीट हैं या फिर जो हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं या फिर जो फोर व्हीलर में ब्लैक फिल्म है या फिर इनका इंश्योरेंस या लाइसेंस नहीं है, जो ट्रिपल सवारी चल रहे हैं, क्योंकि सामने बहुत बड़ा हमारा त्यौहार है, होली का त्यौहार, इसमें लोग घरों से बहुत ज़्यादा भीड़ निकलती है एक बाज़ार के लिए, और आए दिन आप देख रहे हैं इसमें एक्सीडेंट वगैरह होता है, और तो रोड में कंट्रोलिंग करने के लिए ताकि रोड व्यवस्थित रहे, लोग सुरक्षित रहें और नियम से रोड में चलें और आए और जाएं, इसके लिए कार्रवाई हमारी अनवरत चलती है, पूरे साल भर चलती है। और बीच बीच में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी महोदय गण हैं जो आदेश निर्देश जैसा देते हैं उनके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। जैसे हम रात में भी जाते हैं जो शराब पी के वाहन चला रहे हैं ट्रक भारी वाहन वाले, क्योंकि बीच में दुर्घटनाएँ जो हो रही उनको रोकने के लिए शराब पे भी कार्य 185 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत जो शराब वाहन शराब पी के वाहन चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और ये ट्रिपल सवारी और ये तो रोज का ही है, ज़्यादातर चार पहिया वाहनों में देखा जा रहा है लोग दस्तावेज आधे अधूरे दस्तावेज को लेकर चल रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पूरे पूरे हैं, कुछ लोग हैं कि पूरे अप टू डेट रखते हैं, उनका स्वागत है भाई, हम तो जनता के नौकर हैं, है ना, व्यवस्था बनी रह करके हम लोग ऐसा करते हैं। कुछ वाहन हैं जिसमें बाकायदा सीट बेल्ट लगाते हैं, लाइसेंस तत्काल दिखाते हैं, इंश्योरेंस पॉल्यूशन जो भी पेपर है तत्काल दिखाते हैं, सब ओके भी रहता है। और कुछ वाहनों में हैं कि किसी कारण से लोग बाहर हैं या गाड़ी लंबे समय से खड़ी है या कोई ले गया है, ऐसा बहाना बनाते हैं या जो भी रियल कारण हो, तो इंश्योरेंस नहीं पा जाने में अभी हाल ही में हमने एक इंश्योरेंस रोके गाड़ी में नहीं मिला, तो मौके पे नहीं होने कारण उनका 4,000 का हमने फाइन किया है और ऑनलाइन पेमेंट किया उन्होंने फोन पे किया है और उनको रसीद दिए गए। बहरहाल पुलिस का यह अभियान सराहनीय है, वाहन चालकों से नियमों का पालन कराने अभियान को लगातार जारी रखे जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।